तो गाइस स्टार्टिंग से इंडिया और चाइना का रिश्ता इतना कुछ खास नहीं रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बिजनेस इश्यूज और जाने कितने सारे इश्यूज। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, वो है मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स, कौन से ज्यादा अच्छे हैं और देखेंगे किसमें है कितना दम। लेकिन एक सेकेंड रुकना, हाँ प्रणय को क्या हुआ? मेड इन इंडिया भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे यही तो इम्पोर्टेंट है, मेड इन चाइना। कंट्रोल प्रिंट, प्रिंटर इज रेडी। हाँ अब मजा आएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस चलो। तो तेजस भाई अभी कैमरा के लिए स्माइल करो। कैमरा के लिए ही स्माइल कर रहा हूँ भाई। तो आज के लिए तुम चाइना और मैं इंडिया, ये बात तो नहीं हुई थी। अब देखो ये बढ़िया लग रहा है ना भाई, इससे अच्छा खंजर ही घोप देते, देशद्रोही बना दिया मेरे को। यस ओके गाइस, तो पहला प्रोडक्ट है नाइफ। मेरे पास है गोदरेज का नाइफ और तेज के पास है कोई तो चाइना की कंपनी का नाइफ। और गाइस कंपटीशन को इक्वल करने के लिए इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे सबके प्राइस सिमिलर है, ठीक है तेज भाई? हाँ ये कर लो पहले भाई। मेरे की पैकिंग देख रहे हो, खुल तक भी नहीं रही है, इतनी तगड़ी पैकिंग है। सुनो चाइना वाले से खुलना जरा इसकी भाई, चाइना की जरूरत पड़ रही है भाई, चाइना की जरूरत पड़ रही है इनको। हम इंडिया वाले अपने पैरों पे खड़े हो चुके। तो गाइस पहला टेस्ट है बनाना टेस्ट, क्या देखते हैं हमारा चाकू बनाना काट लेगा। ओ भाई स्मूथ एकदम, ये टू लेवल अप। अब काटना है गन्ना, देखते हैं हमारा चाकू गन्ना काट सकता है क्या। भाई गन्ना नहीं कटेगा इससे। रेडी? अबे भाई मेरे से भी भाई इससे गन्ना तो नहीं कटेगा। कम ऑन इंडिया भाई, ये चीटिंग हुई है मेरे साथ। अरे बताया नहीं ये भी होगा भाई, मेरा वाला तगड़ा है भाई। ओ भाई कटने लगा। अरे यार क्या हुआ, ये घुस नहीं रहा है अंदर। हो गया, अरे टूट गया अभी, पर हो गया भाई, मेरा हो गया पहले। तो गाइस मेरे वाले से पूरा गन्ना कट गया। कटा गया? यस भाई कट गया पूरा। ओहो और अब बारी है गाइस इंपैक्ट टेस्ट की, देखते हैं कि ये लकड़ी पे कितना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ पाता है। तो पहले चाइना वाले को करते हैं, तुम्हें बस ऐसे करके मारना है जोर से। ओहो बहुत अंदर तो घुस गया यार। गोदरेज लाल रख लेना। ओह भाई भाई चाइना ही जीतने वाला है देख लो। ओह ये अबे भाई अंदर ही नहीं गया ये, क्या था अंदर ही नहीं गया देखो। तो गाइस इसमें लग रहा है कि लगभग ड्रॉ हो रहा है मामला, किसी चीज में याला चाकू आगे निकल रहा है, किसी चीज में याला चाकू आगे निकल रहा है। ओके गाइस नेक्स्ट अपने पावर बैंक की बारी। क्यों करा रहे हो मेरे से ये सब यार, करना पड़ता है ब्रो। तो गाइस मेरे हाथ में बोट का मेड इन इंडिया ओरिजिनल पावर बैंक और मेरे पास है कुछ तो चाइना का है, कुछ तो अभी हांगकांग का पावर बैंक है भाई इसके पास। प्राइस दोनों का सिमिलर है गाइस। अब देखते हैं अपने पावर बैंक। ओहो केबल आई है, केबल तो मेरे साथ भी आई है भाई। इसकी क्वालिटी देख लो भाई, क्या दिया है मेरे को। ओ भाई इनबिल्ट वायर है इसमें, केबल भी है क्या? यस 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 इनबिल्ट केबल्स है भाई, मेरे में वायरलेस चार्जिंग है। तो गाइस पहला टेस्ट है चार्जिंग टेस्ट और ये दोनों ही फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है, सेम केबल यूज करके ये वाले फोन को एग्जैक्टली 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे अपने अपने पावर बैंक से, है ना भाई? चलेगा चलेगा। तो चलो गाइस चाइना से स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट होते हैं चालू आपके अब। ओके ये देखो गाइस चार्जिंग चालू हो चुकी है 62% पे, अभी देखते 10 मिनट में कितना चार्ज करता है। A few moments later. Okay गाइस तो 10 मिनट अभी होने आ गए हैं। Okay डन। तो भाई अभी देखते हैं कि 10 मिनट में कितना हुआ है, 70%। तो 10 मिनट में इसने चार्ज किया है टोटल 8% और अभी देखते हैं अपना बोट मेड इन इंडिया क्या कमाल दिखाता है। 70% से फिर हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। 3, 2, 1 एंड गो, देखते हैं 10 मिनट में कहां तक जाता है। A few moments later. तो गाइस अभी मेरा 78% है और यहां पे 9 मिनट हो चुके हैं, तो लगभग 8% तो कर दिया भाई बोर्ड ने। भाई 79 हो गया, 79 हो गया। अरे यार भाई 79 हो गया भाई, ये मेरे वाले पावर बैंक ने 9% भाई। वो चाइना का वैसे भी नहीं जीतने वाला था, वो क्या भाई 10 मिनट पूरे नहीं हुए उससे पहले हमारी 9% चार्जिंग बढ़ चुकी है जबकि चाइना वाले पावर बैंक ने 8% बढ़ाई थी। तो गाइस पूरी पूरी तरीके से इंडिया तो जीत रहा है भाई इधर। तो गाइस अब अगला टेस्ट है ड्रॉप टेस्ट, रेडी? भाई ये झंडा वंडा लेके ऊपर चाइना भाई एकदम ऊपर टच कर दो। अब हम लोग इसे गिराएंगे सीधे नीचे, गिरा दो। 3, 2, 1 ओ सर्वाइव्ड गाइस, बस वायर बाहर आया है लेकिन बच गया तो भी। हाँ लाइट वाइट भी जल रही है। अब है गाइस इंडिया की बारी, चलो देखते हैं। टूट जाएगा। ओ भाई साहब आवाज तो बहुत जोर से आई, क्या हो गया इसके साथ? कुछ फर्क नहीं है भाई। अबे बटन अंदर घुस गया भाई, अबे ऑन ही नहीं हो रहा भाई, माँ कसम भाई बोट का बटन अंदर घुस गया भाई, ये क्या हुआ भाई? अरे मजाक नहीं कर रहा भाई, चालू नहीं हो रहा मेरा पावर बैंक भाई, पूरा अंजर पंजर हिल गए भाई। लगता है ये निकाल के इधर लगाने की बारी आ चुकी है।
तो गाइस ये अभी चार्ज तो कर पा रहा है लेकिन इसका ये बटन खराब हो गया और ये देखो टाइप सी भाई पूरा टेढ़ा हो गया है। पावर बैंक को चार्ज करना बहुत मुश्किल है तो हम कह सकते हैं कि ये भी ड्रॉ हो चुका है। ओके गाइस आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट आवर वीडियो पार्टनर्स डिस्काउंट वन। तो डिस्काउंट वन के साथ हम लोगों ने पहले भी कोलैबोरेशन में काम किया है और इनका ऐप एक्चुअली बहुत बढ़िया है, टाइम टेस्टेड है और आपका भी सच में टाइम और पैसा दोनों ही बचाएगा। यार देखो डिस्काउंट वन में बेस्ट डील्स बेस्ट कूपन्स मिल जाते हैं आप लोगों के सारे पॉपुलर स्टोर्स के जैसे कि फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, अमेजॉन, आजियो, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड। और एक चीज इससे पहले आप लोगों ने नोटिस करी होगी जितने भी बाकी डिस्काउंट की वेबसाइट्स है ना उन पर डिस्काउंट्स और डील्स तो बहुत सारी होती है बट आधे से ज्यादा काम ही नहीं करती, कूपन कोड जो देते हैं वो लगते ही नहीं है कहीं पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है डिस्काउंट वन, जो दिखाते हैं वही डिस्काउंट आप लोगों को मिल भी जाते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे ये बैग का प्राइस दिखा रहा है 99 रुपीज, लेट्स सी भाई सच में 99 का है, अभी ऑर्डर कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पे सारे कूपन्स एंड डील्स AI पिक करते हैं तो आप लोगों को हमेशा अपडेटेड डील्स मिलती रहेंगी। इनफैक्ट आप लोगों के और पैसे बचाने के लिए इन लोगों ने गिफ्ट कार्ड का भी सेक्शन ऐड किया है तो आप लोग कुछ भी किसी स्टोर से परचेस कर रहे हो तो पहले यहाँ पे आके आप लोग गिफ्ट कार्ड परचेस कर सकते हो ज्यादा डिस्काउंट के लिए। तो अगर आप लोगों के पास डिस्काउंट वन है ऑलरेडी तो उसको अपडेट कर लेना, एल्स डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक इट आउट और अब आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। चलो अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं। भाई शूज किधर आपके? शूज का तो कंपैरिजन करना है गाइस। तो आज हमारे पास है एक मेड इन चाइना शू और हमारे पास है मेड इन इंडिया बाटा शू। और ये जो हमारे बाटा के शूज है ये फुल्ली पैक्ड होके आए और गाइस इसकी टेस्टिंग नॉर्मल फॉर्मल शूज जैसे नहीं होगी, इनकी टेस्टिंग हम लोग स्पोर्ट शूज जैसे करेंगे। तो यस अपने लेफ्ट वाले पैर में जाएगा बाटा। ओ भाई साहब चमक तो बहुत रहा है। ओ हो और लेफ्ट वाले पैर में गाइस चाइना वाला शू। चलो फिर अब असली टेस्टिंग करते हैं। तो यस गाइस मेरे लेफ्ट वाले पैर में इंडिया का शू वो है बाटा का और राइट वाले पैर में है चाइना का शू। भाई इंडिया वाले की चमक ही अलग है और ये है चाइना वाला। और अब करते हैं एक्सरसाइज चालू। ओके गाइस लेट्स गो एक्सट्रीम। भाई ऐसे तो काम कर रहे हैं यार ये, यहीं से कर लेते हैं जंप। रेडी? ओके स्टेबल तो है। भाई लोग सोच रहे होंगे मैं कितना बड़ा नमूना हूँ फॉर्मल्स में पहन के ये सब कर रहा हूँ लेकिन गाइस आप लोग के लिए कुछ भी। भाई सच बताऊं तो अभी तक तो दोनों में ही सही है लेकिन जो चाइना वाला है ना उसमें थोड़ा सा पैरों में से दर्द होने लगा है, मतलब जंप मारते टाइम इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। गाइस रुको भाग के आता हूँ थोड़ी देर। यार ये जूते तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहे। जो चाइना वाला है ना उसमें ऐसे आगे की साइड में टो पे थोड़ा सा दर्द होना चालू हो गया भाई। अब गाइस ये देखो। तो गाइस इतनी रनिंग करने के बाद भी ये जूते टूटे तो नहीं मेरे से लेकिन मेरे को ना ये वाले जो राइट वाला पैर है मेरा जिसमें चाइना वाला जूता है उसमें थोड़ा दर्द होने लगा है अभी लेकिन ये वाला एकदम कंफर्टेबल है और जबकि दोनों जूतों का साइज सेम है बिल्कुल, दोनों 10 नंबर है। और एक और चीज दिखाऊं आप लोग क्लोजअप में देखो भाई शाइन में कितना फर्क आ गया है। ये देखो ये अभी भी एकदम चमक रहा है, इसकी ऐसे एकदम शाइन चली गई। और भाई ये देखो मार्क्स कितने आ गए, ये जूता तो गया, ये देखो पूरे पूरे निशान आ गया। तो शू के मामले में इंडिया वाला कंफर्टेबल भी और क्वालिटी वाइज भी ज्यादा अच्छा है तो फिर ये क्लियर विनर है। ओके गाइस नेक्स्ट अपनी आरसी कार। ओहो तेजस की कार का कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना और मेरी कार का है इंडिया। तो यस गाइस मेरी है भाई फरारी और तेजस की है लंबोर्गिनी। भाई भाई मेरी ज्यादा तगड़ी लग रही है कुछ भी बोलो। भाई रेस तो मैं ही जीतूंगा पर ये देखो मेरा रिमोट देख रहे हो भाई, रिमोट गया भाड़ में, मैं जीतूंगा ये रेस। तो गाइस रूल सिंपल है, हम लोग को ये रेड लाइन से वो वाली रेड लाइन तक जाना है। भाई मैं अपनी गाड़ी में दिखाऊं क्या? एक और चीज दिखाऊं क्या? क्या ये देखो भाई, भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, भाई ये सरासर चीटिंग हो गई भाई, ये तो पावरफुल लग रही है भाई। ओके लेट्स गो इंडिया लेट्स गो। ये चाइना का स्टिकर भी चाइना है क्या भाई, निकल ही नहीं रहा है। ओके मैं लगाऊंगा अपने ड्राइवर के मुंह पे, 1 2 3 गो। अबे भाई ये क्या है, भाई ये क्या सीन है, भाई नहीं चल रही है ये, क्या फालतू बना है भाई। देखो इंडिया इंडिया। अरे यार ये मैं खुद से ये टर्न भी नहीं हो रही है भाई, देखो मैं टर्न कर रहा हूँ। इंडिया की पावर भाई, केस कर दूंगा मेरे 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 गाड़ी को ठोका मैं केस कर दूंगा भाई। ये वाह हवा इसलिए नहीं यहाँ पे आगे। ये तो भाई बहुत बड़ा बहाना बना दिया चाइना ने, हार गए इसलिए दुखी है पर हमारे भारत के लिए हम बहुत खुश है। तो गाइस अब है डाउनहिल टेस्ट, देखते हैं कि कौन सबसे पहले वो स्पीड ब्रेकर तक पहुंच सकता है। ठीक है रेडी 1 2 3 गो। अरे अरे भाई ये भाग नहीं रही है भाई, अरे ये क्या है, ये क्या सीन है भाई। इसे कहते हैं भाई थोड़े से केले रह गया यार, चांस ही नहीं है इंडिया की मिट्टी पे इंडिया की गाड़ी जीते ना भाई। अभी तो भगना ही बंद हो गई गाड़ी, वो तो बैटरी खत्म हो गई। नहीं आवाज आ रही है, मोटर घूम रही है, मोटर खराब हो गया क्या? मोटर घूम रही है गाइस, ये देखो मोटर घूम रही है, टायर ही नहीं घूम रहे।
और गाइस अगर आप लोगों भी ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट्स चाहिए ना तो हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना काउंटिंग यूनिक डील्स एंड ऑफर्स, क्योंकि वहां पे भी एकदम सॉलिड डील्स आती रहती है। जैसे ये पेटीएम वाली डील थी ना, ₹1 में पूरा हनी का जार मिल रहा था भाई, कुछ ही टाइम के लिए डील आई थी, तो फिर जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स है सबको पता चल गया और बहुत सारे लोगों ने ₹1 की डील ले ली। तो ऐसे ब्रांडेड डील्स के लिए आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाएगा। चलो आओ। ओके गाइस, नेक्स्ट अप इज लॉक। तो भाई मेरे हाथ में मेड इन इंडिया ताला और तेजस के पास है फुल चाइनीज ताला, पर ये महंगा है भाई, ये 110 का है, ये 90 का है, यहाँ पे चाइना चीजें महंगी है भाई। ये है गाइस मेड इन इंडिया और ये तो भाई फुली चाइनीज है। तो हमारे पीछे है गाइस एक बढ़िया दुकान जिसमें हम लोग एक साइड में लगाएंगे इंडिया का ताला और दूसरी साइड में लगाएंगे चाइनीज ताला। yes. और देखते हैं कि दुकान की सेफ्टी किससे ज्यादा सेफ है। तीन चाबी आई है इसके साथ, तीन चाबी मेरे वाले के साथ भी आई है ब्रो। yeah. ये देखो इसकी स्टाइल देखो भाई, स्टाइल कितना सही है इसका। ये देखो भाई खत्म। ताले को क्या हुआ, अभी टूट गया क्या भाई, ये क्या है। चलो कोई नहीं, मेरे को खेलना ही नहीं है। तो गाइस ये है अपना मेड इन इंडिया ताला और ये देखो मेड इन चाइना, गिरते ही डेंट आ गया इस पे। चलो गाइस लगाया जाए ताला। लग गया भाई, क्या हुआ, निकल रहा है। ऐसा कैसा ताला दिया है, मतलब निकलेगा। ओके भाई ये दबाते ही लग गया भाई, इसको चाबी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती गाइस। अभी देखते हैं टेस्ट के बाद किसकी चाबी घूम पाती है। तो हथौड़ा मारने से पहले गाइस दोनों तालों को करेंगे गरम। ओके देखते हैं किसका कलर वगैरह चेंज होता है। भाई इंडिया वाले को तो ऐसा लग रहा फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो गरम तो हो गया भाई, चाबी वाले पार्ट में से धुआं निकलना चालू हो गया। चलो तेजस भाई लोहा गरम है, हथौड़ा मार दो। तो गाइस अब तेजस ट्राई करेगा इंडिया वाले को तोड़ने का। ओ भाई तेजस तो बहुत ब्रूटल हो रहा है। मारो मारो। ओ हो इम्पैक्ट तो आ गया गाइस। ओ भाई साहब, भाई देखो टूट तो गया थोड़ा सा, तेजस तोड़ के छोड़ेगा भाई। ओ भाई मार मार के ताले का शेप बदल गया, लेकिन चलो अभी चाबी से खोल के देखते हैं। तो 10 हथौड़े मारने के बाद ओ भाई खुल गया भाई, ताला टेढ़ा हुआ है भाई लेकिन टिका हुआ है, अभी तो गरम है एकदम। अब है चाइना की बारी, चलो इसको गरम करते हैं। करो 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 भाई गरम करो भाई, ये तो जल रहा है देखो भाई, ये देखो इधर से तो जल गया भाई, भाई मेल्ट हो गया भाई। ओ भाई ये तो मेल्ट हो गया भाई, मुझे लग रहा है हथौड़ा मारने की भी जरूरत नहीं है। चलो गाइस चाइना वाले पे ट्राई करते हैं, एक हथौड़े का काम है मेरे लिए तो। नहीं टूटेगा भाई, टूटेगा तो जरूरी है। ओ भाई निकल गया फाइनली गाइस। भाई यार ये चाइना तो बेकार है यार, कुछ नहीं सही। वही तो गाइस अगर आप लोगों को अपनी दुकान या घर में ताले लगाने हैं तो मेड इन इंडिया ताले लो भाई, चाइना वाले टूट जाते जल्दी, इंडिया वाले को ना बहुत मेहनत लगेगी तोड़ने में, तो लॉक में भी गाइस इंडिया जीतता है। ओके गाइस नेक्स्ट इज अ ग्लू। तो मेरे पास है गाइस अपना ओरिजिनल फेविकोल और तेजस के पास है गाइस ये जेस स्विंग, जो एक्चुअली नाम से ही चाइनीज लग रहा है। गाइस एक्चुअली इस पे कहीं लिखा नहीं है मेड इन चाइना, लेकिन इसके ऊपर एक QR कोड बना है भाई, भाई पूरा फोन ही चाइनीज हो गया ये। तो गाइस ये तो पक्का पूरा चाइनीज है, तो आओ आज का भाई भाई पर रुको, मैं क्या कह रहा था, एक बार बस एक बार अभी मेरे को इंडिया बना दो बस, हो गया भाई, चाइना बहुत बार कर लिया मैंने, अभी आप चाइना के लिए बन जाओ और मैं इंडिया। हाँ हाँ अरे यार एक बार बोला बस। चलो ये छोड़ो पहले ये दे दो। ओके ये ले लो। चलो प्रणय भाई बन गए चाइनीज। भाई मेरे दिल पे दर्द हुआ, सीने में दर्द हो गया भाई, और हम है फिर से इंडियन बैक टू डिफॉल्ट। तो गाइस रूल्स एकदम सिंपल है, ये जो प्लास्टिक होल्डर है हमें इसे चिपकाना है यहाँ पे ये ग्लास की विंडो पे ग्लू की मदद से, और उसके बाद हम लोग इस बीकर के अंदर पानी डालते जाएंगे जब तक ये टूट के गिरता नहीं है। यहाँ इंडिया ही जीतने वाला है, इंडिया बेस्ट है इसमें, मैं चाहता हूँ वैसे इंडिया जीते। ओके गाइस अब है ये जेस स्विंग की बारी। ओके एंड हियर इज द ओरिजिनल फेविक्विक। अबे मेरा जमा हुआ है। क्या बात कर रहे हो, मेरा तो बहुत इजीली लग रहा है देखो। अरे यार भाई सच में ये चाइना से आते तो जम गया लग रहा है भाई, पूरा सूख गया देखो अंदर, भाई मेरा एकदम सूखा हुआ है यार, मेरा देखो हो गया थोड़ा ज्यादा ही लग गया। संगीत भाई टिश्यू देना, चाइना से कितना पुराना है यार, थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, थोड़ा भी गीला है क्या भाई, पूरा सूख गया मेरा, मैं लगा दे रहा हूँ भाई, थोड़ा थोड़ा जो मिल रहा है उससे ही लगा लेते हैं भाई। ये देखो कैसा लगा है, चाइना वाला कुछ गड़बड़ी लग रहा है मेरे को ये भाई, ये सूखा तो ग्लू वैसे ही है, लेकिन इसको और सुखा लेता हूँ। मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे ज्यादा अच्छी चीज मिल गई है। देखो अरे वो ठीक से लगा नहीं, मैंने लगाया था वो फिर से निकाल दिया मैंने, थोड़ा सही से लगाना पड़ता है भाई, हेयर ड्रायर लाके सुखाऊंगे अच्छे से, और ज्यादा टेक्निक लगानी पड़ेगी गाइस। तेज भाई हेल्प चाहिए क्या, नहीं भाई हो रहा है यहाँ पे, कहाँ हो रहा है उसका, गिरे जा रहा है, चाहिए चाहिए, एक बार बोलो मैं हार मानता हूँ, बोलो। नहीं नहीं हार नहीं मानूंगा भाई, मैं फूंक मारते रहूंगा आधा घंटा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। चलो तेजस की भी मदद कर ही देता हूँ गाइस, क्योंकि एक्चुअली हमें कंपटीशन तो इक्वल करना है ना, और मैं भी दिल से चाहता हूँ कि इंडिया ही जीते। हाँ
बॉडी बदल लिया साला। ओके गाइस, हम लोगों ने सुखा के एकदम इसको मजबूत बना दिया है। अभी देखते हैं इंडिया जीतेगा चाइना। तो हमारे यहाँ पे बीकर भी रेडी है। तो भाई सबसे पहले ना 400 ml भरते चलो। भाई मुझे तो डर लग रहा है कि भाई ये 400 पीना गिर जाए। भाई टिक रहे, इज्जत बचा लेना। ओके गाइस, दोनों का एग्जैक्टली 400 ml हो चुका है और ये दोनों अभी तक टिके हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 600 ml तक भरते हैं। फेविकोल का जोड़ तो मुझे पता था, लेकिन चाइनीज कंपनी का जोड़ भी भाई कम नहीं है। तो गाइस अभी 600 ml हो चुका है दोनों में। भाई सुनो, ऐसे कुछ नहीं होगा, सीधे ऊपर तक फिल करने आओ। अरे भाई पूरा का पूरा गाइस 1 liter फिल करते हैं। अब देखते हैं किसमें है कितना दम। अबे पानी खत्म हो गया भाई, अभी भी टिका हुआ है ये। भाई मुझे ऐसा लग रहा है मेरा टेढ़ा हो रहा है। तो गाइस एकदम ऊपर तक फिल करते हैं। ओ भाई साहब, भाई ये फेविकोल मुझे ज्यादा स्टेबल लग रहा है यार। ये मेरा वाला टेढ़ा टेढ़ा क्यों हो रहा है? निकल गया भाई, निकल गया। गाइस बाल्टी लगाने का कुछ मतलब नहीं हुआ, चाइनीज कंपनी ने फिर से हमें धोखा दे दिया। ये विनर विनर। भाई फेविकोल तो हिला भी नहीं, अब हिला भी नहीं। देखो ये देखो फेविकोल के पीछे भाई एकदम सॉलिड लगा हुआ है। और ये है चाइनीज वाले की हालत। ये निकलेगा कैसा? लगता है यहीं पे आके नहाना पड़ेगा। ये सोचा ही नहीं मैंने। गाइस फेविकोल का जोड़ इतना तगड़ा है कि ये अभी भी नहीं निकल रहा। चाकू छुरी हम सब लगा चुके हैं। तो गाइस ये था आज का इंडिया वर्सेस चाइना का कंपैरिजन। भले ही चाइना मास प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमें ये तो समझ में आया इंडिया जो भी प्रोड्यूस करता है भाई सॉलिड प्रोड्यूस करता है। कुछ जगह थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता है और इंडिया धीरे धीरे और बेटर करता जाएगा। तो आप लोग बताओ आप लोगों को इसमें से क्या अच्छा लगा। एंड यस, पार्ट टू अगर आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए 25,000 लाइक्स कर देना आप लोग कंप्लीट। और हमें सजेस्ट करो कि हम लोगों को कौन से प्रोडक्ट्स को इंडिया वर्सेस चाइना में कंपेयर करना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूं भाई अगले वीडियो में मैगी का कंपेयर करते हैं चाइनीज एक नूडल्स के साथ। क्या बोलते हो? और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो गाइस बाय।